हेलो व्यूअर्स, आज मैं मोमो बनाने जा रही हूँ जो पहाड़ी इलाके में बहुत प्रसिद्ध है और चाइना का प्रसिद्ध खाना है। तो देखते हैं आज मैं वेज मोमो कैसे बनाती हूँ। देखिए मैंने वेज मोमो के लिए क्या क्या लिया है। मैंने 2 गाजर को घिस के रख लिया है, बंद गोभी को घिसा है, अदरक लहसुन का मैंने और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। और मोमो चटनी बनाने के लिए मैंने विनीगर में 8-10 लाल मिर्च को मैंने डुबो के रख लिया है और लहसुन, ये दोनों से मैं मोमो चटनी बनाऊंगी। ये विनीगर है, इसको मैं भूनते समय डालूंगी। और ये 2 कप मैंने इस कटोरी से मैंने 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है। अब मैं इसे गूंथूंगी, इसे मैं थोड़ी सी नमक डालती हूँ। थोड़ी सी तेल और इसे सॉफ्ट डो तैयार कर लूंगी मैं इसका। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। बहुत ही टेस्टी लगती है, देखिए। देखिए मैंने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट रेस्ट करने देती हूँ। तब तक मैं मोमो की फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। मैं गैस पे एक पैन चढ़ाती हूँ पैन। अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालूंगी। अब मैं इसमें, तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था मैं इसे थोड़ा हल्का भून लेती हूँ। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, देखिए हमारा हल्का भून चुका है। अब मैं इसमें बंद गोभी जिन्हें मैंने कद्दूकस करके रखा था अब मैं इसे डाल देती हूँ। सभी सब्जियों को डाल के हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का भूनना है, क्योंकि चाइनीज़ खाना में ज़्यादा भुना नहीं जाता है। चलिए अब मैं कद्दूकस गाजर को भी डाल देती हूँ नीचे भी। देखिए बहुत ही यम्मी बनेगा ये, बहुत ही टेस्टी। आप भी घर में बनाइए और बच्चे खुश हो जाएंगे खा के। मैं इसमें हल्की नमक डाल देती हूँ। टेस्ट को अकॉर्डिंग डालिएगा हमेशा, आप जैसा टेस्ट पसंद करते हैं, कोई ज़्यादा नमक पसंद करता है, कोई कम, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए नमक। अब मैं इसमें 2 चम्मच विनीगर डालती हूँ, वाइट विनीगर, थोड़ा सा सोया सॉस, एक चम्मच जितना सभी को मिक्स करके मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ। जब तक हमारा सब्जी का पानी सूख जाए बस इतना ही भूनना है हमें। देखिए हमारा स्टफिंग बन के तैयार हो गया। अब मैं इसे जब तक हमारा स्टफिंग ठंडा होता है मैं मोमो चटनी बना लेती हूँ। देखिए मैंने लहसुन डाल दिया, मैंने विनीगर में जो मिर्च डाल के रखी थी अब मैं उसे भी डाल देती हूँ। अब मैं मोमो की चटनी बना लेती हूँ। तब तक देखिए मैंने मोमोज की चटनी बना ली है। अब मैं इसमें नमक डालती हूँ, विनीगर में भी नमक होता है इसलिए आप नमक देख के ही डालिएगा इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए कितना अच्छा मोमो चटनी बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं मोमोज बना लेती हूँ। अब मैं मोमोज को बना लेती हूँ। देखिए किस तरह मैं मोमो बनाती हूँ। पहले पूरी बनाना है, पूरी बना के इसमें स्टफिंग जो मैंने बनाया था मैं उसको रखती हूँ। उसके बाद ये देखिए ऐसे प्लेट बनाते हुए ऐसे ऐसे
ऐसे प्लेट बनाते जाना है लास्ट तक। हमारा मोमो बन के तैयार है। मैं इसी तरह सारे मोमो को बना लेती हूँ। देखिए मैंने एक और पूरी बना लिया। अब मैं इसमें डालती हूँ स्टफिंग और उसी तरह ऐसे ऐसे करते हुए एक प्लेट प्लेट करते हुए ऐसे देखिए इस तरह कर देना है। और ये देखिए अब मैं सभी मोमो की तैयारी इसी तरह कर लेती हूँ। और इधर देखिए मैंने स्टीम करने के लिए कढ़ाई में नीचे पानी ऊपर से मैंने जाली रख दी है। जब तक हमारा मोमो तैयार होता है हमारा पानी भी गर्म होकर स्टीम आने लगेगा। देखिए मैंने मोमो बना के रख लिया है। अब मैं इसे हमारा स्टीम भी आने लगा है। अब मैं इसे स्टीम कर लेती हूँ। देखिए एकदम डिलीशियस बना है, बहुत ही टेस्टी चटपटा जो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए और बहुत जल्द बन जाता है। दोनों इसे मैं भाप में पकने देती हूँ, दो तीन मिनट में हो जाएगी। तब तक मैं इधर और मोमो बना लेती हूँ। देखिए हमारा मोमो अब पक चुका है। मैं गैस को बंद करती हूँ और मोमो को निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। ये देखिए देखिए मेरा मोमो बनके तैयार है। कितना टेस्टी और कितना अच्छा मोमो बना है। अगर आपको मेरा मोमो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।